हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री से देखिए क्या कह रहा है हमें इंटीग्रल निकालना है किसका ई टू द पावर एक्स इन टू में है वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी कि अगर कोई इंटीग्रल में ई टू द पावर एक्स इन टू कोई फंक्शन दिया हो और प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो इसका प्रॉपर्टी जानते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू में फंक्शन और प्लस में सी तो उसी तरह से देखो वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स होगा कि नहीं होगा ना तो इसका आप सीधे नहीं लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस सी या आप लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी ये आपका आंसर हो जाएगा समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में इंटीग्रल निकालना है ई टू द पावर ए एक्स और बाई में कह इंटू में कह रहा है इंटू में ए इंटू में फंक्शन एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स और इंटू में ए कॉन्सटेंट है तो बाहर कर लेते हैं फंक्शन है एफ एक्स ठीक है फिर प्लस में हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इसको आईलेट वाले मेथड पे बनाते हैं यूटिवी पर इस दूसरे वाले वो कैसे रखते हैं पहले वाले को इंटीग्रेट करते हैं तो ए कॉन्सटेंट है चूंकि एक्सपोनेंट है तो, तो आईलेट वाले में एक्सपोनेंट सबसे लास्ट में आता है तो एफ कोई फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन हो सकता है तो ये आपका यू हो जाएगा ये वी हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स फिर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स तो डी एक्स माइनस इंटीग्रल देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स और फिर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स और फिर बाहर डी एक्स है ना चलिए और फिर यहाँ पर यह आपका प्लस में इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स ठीक है चलिए यहाँ पे देखते हैं ए इंटू में एफ एक्स अच्छा ई टू द पावर अगर ए एक्स की बात करें तो पहले उसका लिख लेते हैं इसका क्या होगा ई टू द पावर ए एक्स और बाई में ए यही ना होगा इंटीग्रल और इनटू में आपका एफ एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा और इंटू टू दावर ए एक्स का क्या होगा ई टू टू द पावर ए एक्स और बटा में ए यही ना इंटीग्रल होगा डी एक्स प्लस में ई टू द पावर ए एक्स इंटू में एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से दोनों में तो ए से मल्टीप्लाई कर ए कट जाएगा बच जाएगा ई टू दावर ए एक्स एफ एक्स माइनस ए से ए यहाँ भी जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द दावर एक्स एफ एक्स डी एक्स और प्लस में इंटीग्रल ऑफ ई टू दावर ए एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स और प्लस में कॉन्सटेंट सी ये दोनों कट जाएंगे ना प्लस माइनस में यानी कि फाइनली जो आपका इंटीग्रल होगा वह क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस में सी यही आपका आंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर फोर माइनस का एक्स स्क्वायर आप यहाँ देखो तो आप इसे कर सकते हो रूट अंडर टू का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर तो यहाँ हम लोग इंटीग्रल जानते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इसका यहाँ लिख सकते हैं कि वन बाई टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस में प्लस में ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई एक ए की जगह टू हम लोग लिख रहे हैं चलिए तो यहाँ आ जाएगा वन बाई टू एक्स रूट अंडर क्या हो जाएगा फोर माइनस का एक्स स्क्वायर ये दो का स्क्वायर चार चार टू का स्क्वायर फोर फोर में टू से डिवाइड करेंगे टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू और प्लस यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्टी सिक्स नंबर हमें इंटीग्रल निकालना है रूट अंडर नाइन प्लस का एक्स स्क्वायर आप यहाँ कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ नाइन को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर और प्लस में आपका एक्स स्क्वायर है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर वन बाई टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये ना रूल होता है जी और प्लस में कॉन्स्टेंट सी यानी आ जाएगा वन बाई टू एक्स रूट अंडर नाइन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर नाइन प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस में सी यही आपका आंसर हो जाएगा समझ गए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन नंबर क्या हमें इंटीग्रल निकालना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का एक्स के रेस्पेक्ट में चलिए तो हम लोग ये काम कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस नाइन को हम लोग थ्री का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया तो क्या जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला तो यहाँ पर जानते हैं इसका वन बाई टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस सी चलिए इसे सॉल्व दे कर देते हैं आगे वन बाई टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन माइनस का नाइन बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन और प्लस का सी आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर बाई में वन प्लस का एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसमें पुट कर देते हैं वन प्लस एक्स क्यूब को टी चलिए डिफ्रेंसीट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स यानी कि यहाँ डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में डी टी और बाई में थ्री चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ यहाँ डी टी बाई थ्री हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर डी एक्स और ऊपर वन है नीचे आपका टी वन बाई थ्री है बाहर कर लिए वन बाई टी का इंटीग्रल टी में तो क्या हो जाएगा लॉग टी आ जाएगा तो वन बाई थ्री लॉग टी और प्लस का टी टी का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे वन बाई थ्री लॉग ऑफ वन प्लस का एक्स क्यूब और प्लस में सी यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नाइन हमें किया हमेंट करना इसका इंटीग्रल निकालना एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स बाई में आपके पास एक्स क्यूब प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव डी एक्स हम इसे पुट कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव को टी चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टूएल एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स यहां से थ्री कॉमन है ना थ्री कॉमन कर लेते एक्स भी कॉमन लेकिन सिर्फ थ्री कॉमन करते स्क्वायर प्लस का फोर एक्स लाने के लिए ठीक है इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में थ्री ये ऊपर वाला आ गया ना निमरेटर इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्री को कॉमन किया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वन बाई टी और इसको पूरा क्या लिख सकेंगे डी टी और बाई में थ्री थ्री तो कॉन्सेंट है वन बाई थ्री कॉमन हो गया आ जाएगा वन बाई टी का इंटीग्रल क्या आ जाएगा लॉग टी वन बाई थ्री लॉग ऑफ टी और प्लस में सी तो वह यहाँ टी का वैल्यू रख दीजिए वन बाई थ्री लॉग ऑफ टी का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव और प्लस का सी यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी नंबर हमें इंटीग्रल निकालना है से स्क्वायर रूट अंडर एक्स बाई में रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में चलिए एक काम करते हैं इसमें पुट कर देते हैं रूट एक्स को टी चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू तो एक्स तो वन बाई टू रूट एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में और डी एक्स तो यहाँ पर डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं टू डी टी लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल तो हो जाएगा यहाँ पे से स्क्वायर टी और डी एक्स डी एक्स बाई रूट एक्स के पे आ जाएगा टू डी टी टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर लो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी से स्क्वायर का टेन टी होता है ना तो टू टेन टी और प्लस सी टेन टी का वैल्यू रख यहाँ टी का वैल्यू रख देते हैं टेन टी का वैल्यू है रूटर एक्स तो टेन टू टैन रूट एक्स प्लस यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी वन नंबर हमें इंटीग्रल निकालना है साइन रूट एक्स बाई में रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इसमें पुट कर देंगे रूट अंडर एक्स को टी और चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स

रूट अंडर एक्स प्लस का सी यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल क्या दिया है कॉस ऑफ रूट एक्स और बाई में रूट एक्स हम इसे पुट करते हैं रूट अंडर एक्स को टी चलिए डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन बाई टू रूट अंडर एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स यानी कि आप लिख सकते हैं कि डी एक्स बटा में रूट एक्स इक्वल टू में टू डी टी ठीक है तो चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट अंडर एक्स को टी डी रूट एक्स क्या गया टू डी टी तो यहां से टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं कॉस ऑफ टी डी कॉस का क्या होगा साइन ना तो टू साइन टी प्लस सी यानी कि टू साइन टी का वैल्यू क्या है रूट अंडर एक्स और प्लस का सी यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी थ्री में इंटीग्रल निकालना है वन प्लस ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर और वाई में एक्स का इसमें पुट कर देते हैं हम लोग वन प्लस लॉग एक्स को टी और इसे डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा वन बाई एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स यानी आप लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू में यहाँ पर डी टी चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स डी टी क्या होता है पावर में वन ऐड कर दीजिए और पावर को नीचे नोट कर दीजिए और प्लस सी टी का वैल्यू वापस से रख देते हैं वन तो प्लस का स का क्यूब और वाई में थ्री प्लस सी आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें इंटीग्रल निकालना है से स्क्वेयर सेवन माइनस का फोर एक्स का तो हमें इसमें पुट कर लेना होगा पुट कर देते हैं सेवन माइनस फोर एक्स को टी और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ माइनस तो का फोर इक्वल टू में डी और बाई में डी तो यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी और वाई में फोर यही ना हमें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ से स्क्वायर इसको टी हमने माना था सेवन माइनस फोर एक्स और डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ डी टी बाई फोर तो माइनस वन बाई फोर कॉन्सटेंट बाहर कर लेते हैं बच जाएगा से स्क्वायर टी डी टी से स्क्वायर टी के आप जानते हैं क्या होगा टेन टी और प्लस सी यानी माइनस वन बाई फोर टेन टी का वैल्यू क्या है सेवन माइनस का फोर एक्स और प्लस सी यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रल ऑफ हमें लॉग एक्स और बाई एक्स निकालना है यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं लॉग एक्स को टी और इसे डिफ्रेंसिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो लॉग एक्स का एक वन बाई एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स यानी कि आप लिख सकते हैं इसे डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू में डी टी चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग एक्स को टी और डी एक्स बाई एक्स को डी टी यानी ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर और बाई में टू प्लस सी टी का वैल्यू लिख दीजिए यानी लॉग एक्स पावर में टू है और बाई में टू और प्लस सी यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ टू का पावर एक्स तो ये तो प्रॉपर्टी ही है हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स का क्या पढ़े हैं ए टू द पावर एक्स बाई में लॉग ए ये ना पढ़े हैं प्लस सी तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा टू का पावर एक्स बाई में लॉग ऑफ टू ठीक है और प्लस सी यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें फोर्टी सेवन नंबर इंटीग्रल निकालना है माइनस का अलग अलग कर हैं, cos x और वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्स हो जाएगा और माइनस एक देखो एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा कि नहीं सेक एक्स हो जाएगा ठीक है सेक एक्स हो जाएगा और एक कॉस और ऊपर साइन है तो ना और सेक्स हो जाएगा निकालना है अलग अलग डिवाइड कर दे क्या एक्स क्यूब बाई एक्स स्क् और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स चलिए इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है तो इसका x का x two, और वन बाई एक्स होता है माइनस और प्लस, सी, प्लस, सी, two, और और प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी नाइन नंबर हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन बाई में एक्स माइनस वन चलिए अब दो दो को में ऊपर कॉमन करते हैं पहले एक्स स्क्वायर कॉमन होगा एक्स माइनस वन बच जाएगा अब प्लस का वन कॉमन होगा एक्स माइनस वन बच जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस वन है फैक्टर हो गया ऊपर एक्स माइनस वन दोनों ब्रैकेट में एक्स माइनस वन को कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा यहाँ एक्स का स्क्वायर और प्लस में वन और बटा में आपका एक्स माइनस वन डी एक्स एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन चला गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस में वन डी एक्स बच गया तो इसका अब यहाँ पे इंटीग्रल निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री और वन का एक्स और प्लस का सी यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें इंटीग्रल निकालना है यहाँ पे ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स बाई में वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी इसमें आप पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स को टी इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स यानी कि हो जाएगा डी एक्स बाई वन प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डी टी ठीक है ऊपर तो हो जाएगा ई टू दावर टी और डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका डी टी तो क्या होता है रूल ई टू दावर टी का पावर टी और प्लस हो जाएगा ई टू टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी यही आपका आंसर हो जाएगा समझ गए